Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on syntax as you can see here. As always, one more information guys, this video will be bilingual. यानी कि यह आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड किया जाएगा. दोस्तों, हमने अपने पिछली वीडियो में जो है वो मॉडल्स और आर्टिकल पर डिस्कशन किया था. हमारे जितने भी मॉडल्स के बेसिक रूल होते हैं या फिर आर्टिकल्स के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एज वेल एज बेसिक रूल बनते हैं, उन सभी पर हम डिस्कशन कर चुके हैं. अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देखें. और साथ ही साथ हमने अपनी वोकैब सीरीज जो है वो द हिंदू की भी स्टार्ट कर दी है. तो आइए आज का टॉपिक देख लेते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंटैक्स. अब सिंटैक्स है, आप लोग जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा. इसका दूसरा नाम जो है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अगर आप इसे सिंटैक्स के नाम से नहीं जानते हैं तो आप इसे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के नाम से ज़रूर जानते होंगे. तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमें सिंटैक्स पढ़ने की ज़रूरत क्या है, या फिर हमारे सिंटैक्स होते क्या हैं, या फिर हमें कैसे इनका यूज करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि हमारे सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स होता क्या है. यह एक क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है. तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम कहते किसे हैं. यहाँ पर दिया गया है डेफिनेशन में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, या फिर इसे हम सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं. अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, और इस डेफिनेशन को समझने से पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमें जान लेनी चाहिए वो है सिंगुलर. क्या है? सिंगुलर एंड प्लूरल, ये दो टर्म जो हैं आपको पूरी वर्ब एग्रीमेंट में बहुत हेल्प करेंगे. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इन दो टर्म का मीन्स क्या होता है. जो हमारा सिंगुलर है, क्या है जो सिंगुलर है, वो हमारा एक वचन है. हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन. क्या कहते हैं? एक वचन. और जब भी हम प्लूरल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्लूरल. जब भी हम प्लूरल बोलेंगे तो इसका मतलब है हमारा हिंदी में बहुवचन. क्या है? बहुवचन. अब आप एक वचन और बहुवचन का मतलब तो जानते ही होंगे, बट फिर भी हम आपको बता देते हैं कि जब भी हम सिंगुलर यानी कि एक वचन की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ एक ही वस्तु की बात की गई होगी. किस चीज़ की? सिर्फ एक ही चीज़ की बात की गई हो. और जहाँ पर हम प्लूरल टर्म का यूज करें जिसका मतलब होता है बहुवचन, वहाँ पर एक से अधिक चीज़ों की बात की गई होगी. किसकी? एक से अधिक चीज़ों की. तो दोस्तों, इन दो टर्म को अच्छे से याद करिएगा, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे. अब वापस आते हैं अपनी डेफिनेशन पर. हमारी डेफिनेशन दी गई थी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट. अब बात आई दोस्तों कि सब्जेक्ट क्या होता है. तो जो भी हमारे सेंटेंस में वर्क कर रहा होगा, कार्य कर रहा होगा, उसे हम कर्ता कहते हैं. सब्जेक्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कर्ता. जैसे कि एक सेंटेंस देख लेते हैं. यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, ही इज अ गुड बॉय. तो यहाँ पर गुड बॉय किसे बोला गया है, किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में? ही के बारे में बात हो रही है. तो ये जो है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है. और यहाँ पर जो इज है वो हमारी वर्ब है. क्या है? वर्ब है. ये हमारा आर्टिकल है. गुड एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, और वाई जो है वो हमारा नाउन है. क्या है? नाउन है. तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है. तो जैसे हमारा ही सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार. अब ही जो है कैसा होता है दोस्तों, हमारा सिंगुलर होता है. कैसा? सिंगुलर यानी कि एक वचन होता है. तो जो हमारा ही है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब यूज होगी वो ही के अकॉर्डिंग होगी. अब ही हमारा कैसा है? सिंगुलर है. तो इसके साथ वर्ब कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब. तो हमारी सिंगुलर वर्ब क्या होती है? इज. अब दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, आपके माइंड में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमें नहीं बताया कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं या फिर हमारी सिंगुलर वर्ब क्या होती है. तो अभी आगे हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट या वर्ब कौन कौन से होते हैं. बट उससे पहले हमें सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के बारे में देखना था. तो हमने देख लिया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होते हैं. क्या होते हैं? हमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब यूज करनी होती है. इसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर आप हिंदी में मतलब निकालें तो सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच एग्रीमेंट या फिर कोऑर्डिनेशन यानी कि
कैसे एक दूसरे के साथ यहाँ एडजस्ट करेंगे, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल है तो प्लूरल होना। आइए आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होता है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको अभी डेफिनेशन में भी बताया कि हम अपनी वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, हमने आपको सिंगुलर प्लूरल भी बताया और साथ ही साथ अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या हैं। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। नेक्स्ट हमारा दिया गया है यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल प्रयुक्त होता है, यानी कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो जो वर्ब कैसी है वो भी प्लूरल आएगी, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब रखेंगे। अब आगे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा दोस्तों कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं या फिर सिंगुलर वर्ब क्या होती है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं या प्लूरल वर्ब क्या होती है, तो हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमारा जो आई है, आई क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दोस्तों याद रखिएगा कि आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो यू है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट यू के साथ थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों, तो इसे हम अभी यहाँ पर पढ़ लेते हैं, बाद में हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे कि कहाँ पर यह सिंगुलर होता है और कहाँ पर यह कैसे प्लूरल होता है। ही जो है हमारा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, राम किसी एक व्यक्ति का नाम तो वो काउंटेबल है और एक ही है तो सिंगुलर है, सीता, द बॉय, द गर्ल, ये सभी हमारे कैसे होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं इन सभी के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। अब देख लेते हैं कि हमारी सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर दिया गया है एम, इज, वॉज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड, ये जो है हमारी सभी सिंगुलर वर्ब होती हैं। तो इन सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये सभी सिंगुलर वर्ब आएंगी। अब जान लेते हैं कि हमारे प्लूरल सब्जेक्ट जो हैं वो क्या होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में यहाँ पर दिया गया है वी, वी जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। यू, अब आप दोस्तों आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि यू तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट भी था, यू प्लूरल कैसे होता है। तो दोस्तों यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, बट सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आगे आगे जैसे भी सेंटेंस आएंगे उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कहाँ यू सिंगुलर आना है या फिर कहाँ प्लूरल आना है। अब यहाँ पर दे है, तो दे कैसा है, हमारा प्लूरल है। और यहाँ पर दिया गया है राम एंड सीता। दोस्तों गौर करिएगा, हमने पहले पढ़ा था राम, ओनली राम दिया गया था तो सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पर राम एंड सीता, राम और सीता जो है वो एंड से कनेक्टेड है तो ये मिलकर दो हो गए, द बॉय द गर्ल। ये भी कभी कभी हमारे प्लूरल के रूप में यूज हो जाते हैं, बट टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम वो आगे देख लेंगे। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड, तो ये जो है वो हमारी सारी प्लूरल वर्ब है। अब दोस्तों आप कुछ चीज़ों के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे कि यहाँ पर यू, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, तो आगे हमारे जो टर्म एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम इसे अच्छे से समझ लेंगे। आगे चलते हैं, आगे जो है सिंटैक्स का हमारा पहला रूल, यहाँ रूल हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। दोस्तों अभी अभी हमने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन आप लोगों ने समझ ली, उसके बाद आपने देख लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, अगर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब जो कैसी है वो प्लूरल होगी, और हमने देख लिया कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होती हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल वर्ब क्या होती हैं। तो अब हम अपने सिंटैक्स के जो रूल हैं वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम सिंटैक्स का पहला रूल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, यानी कि हमने अभी आपको पहले एक पॉइंट दिया गया था जहाँ पर हमने आपको कहा था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, तो यहाँ पर भी वही बात की गई है। अब इसे हम एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है मोहन वॉज ऑलवेज लेट, यहाँ पर ये गलत हो गया, ए टी नहीं आएगा, ऑलवेज लेट, यानी कि मोहन हमेशा लेट हो जाता है या फिर कहीं भी लेट पहुँचता है या कुछ भी,
तो यहाँ पर जो हमारा मोहन है, क्या है मोहन? अभी हमने आपको बताया था कि अगर किसी एक पर्सन की बात हो या फिर कोई एक नंबर हो तो वो हमारा सिंगुलर होता है। यहाँ पर सिर्फ एक मोहन है, अब सिर्फ मोहन ही नाम दिया गया है तो सिंगुलर है हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब देखी थी कि कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। तो दोस्तों हो सकता है आप ये रूल समझ गए होंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रूल है यहाँ पर दिया गया है सेकेंड रूल में कि आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। आई जो है हमेशा कैसा है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब आ सकती हैं, आप इसे गलत नहीं कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ, तो यहाँ पर जो आई है एज अ सिंगुलर यूज किया गया है। अब ये हमारे कुछ कुछ हमारे सेंस पे भी डिपेंड करता है। लाइक दोस्तों कभी कभी हमें समझना होता है कि किस कंडीशन में किस टर्म में बात की गई है। जैसे यहाँ पर तो एक सेंटेंस दिया गया है आप समझ जाएंगे, बट कभी कभी पैराग्राफ दिए होते हैं जहाँ पर आपको खुद सेंस लगाकर ये पता करना होता है कि यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है या फिर प्लूरल की। और आप टेंशन मत लीजिए, जब भी आप अपनी रीडिंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप कर लेंगे तो आपको यह भी अच्छे से अंडरस्टूड हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है आई एम अ टीचर, तो आई यहाँ पर एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, और जो हमारी वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट हमारे सेंटेंस में दिया गया है आई हैव अ साइकिल, तो यहाँ पर जो हमारा आई है वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, तो जो हमारी वर्ब भी है वो भी हमारी प्लूरल वर्ब है। हो सकता है दोस्तों आपको ये रूल भी समझ आ गया हो। आइए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा दिया गया है यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। क्या अभी हमने देखा था जब हमने सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की थी और प्लूरल सब्जेक्ट की बात की थी, तो वहाँ दोनों ही जगह जो है वो यू का नाम दिया गया था। कैसा नाम दिया गया था? यू का नाम दिया गया था। तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही में आ सकता है। कैसा? सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट में आ सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी और प्लूरल सब्जेक्ट भी है। बट इसके साथ जो वर्ब है, क्या है? वर्ब है, वो हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। चाहे यू का यूज सेंटेंस के सिंगुलर के लिए किया गया हो चाहे प्लूरल में किया हो, बट वर्ब जो है वो हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है यू आर अ टीचर, मतलब तुम एक अध्यापक हो, तो यहाँ पर जो यू का यूज है वो सिंगुलर के सेंस में आ रहा है, बट आप यहाँ पर वर्ब देख सकते हैं वो कैसी है? प्लूरल वर्ब है हमारी। यहाँ पर दिया गया है यू आर प्लेइंग, यहाँ पर मतलब इसका जो सेंस है वो प्लूरल के रूप में है। कैसे कि मतलब बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो प्लूरल है। तो आपने देख लिया दोस्तों कि यू सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयुक्त होता है बट प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयुक्त होता है, लेकिन जो हमारी वर्ब है वो कैसी रहेगी? हमेशा प्लूरल वर्ब की तरह यूज की जाएगी। अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट रूल जो यहाँ पर दिया गया है वो नीड नॉट और डेयर नॉट से रिलेटेड है। अब देख लेते हैं यहाँ पर दिया क्या गया है। ये हमारा जो नेक्स्ट रूल कहता है वो कहता है नीड नॉट एंड डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। अब आइए ऐसे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो रूल है वो कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर दिया गया है सी नीड नॉट गो देयर, यानी कि उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वापस चलते हैं अपने रूल पे। तो यहाँ पर कहा गया है कि नीड नॉट एंड डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। कैसे? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। हमारा सब्जेक्ट कैसा भी हो, कैसा हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, जो वर्ब है हमारी हमेशा प्लूरल रहेगी। कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। जैसे कि हमने यू के केस में भी देखा था, हमने यू के केस में क्या देखा था कि हमारा यू चाहे सिंगुलर एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, बट जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ऐसा ही हमारा नीड नॉट, अकेला नीड नहीं दोस्तों, नीड नॉट एंड डेयर नॉट, जब भी नीड नॉट और डेयर नॉट हो तो हमारा सब्जेक्ट कैसा भी हो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये हमेशा एज अ प्लूरल ही यूज, मतलब इनके साथ जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल ही यूज की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देख गया है सी नीड नॉट गो देयर, तो ये कैसा है हमारा? ये यहाँ पर प्लूरल यूज किया गया है, तो ये सही है हमारा। आगे वाला सेंटेंस देख लेते हैं। आगे दिया गया है कि यहाँ पर सी नीड्स टू गो देयर, क्या है? सी नीड्स नॉट गो देयर,
तो यहाँ पर जो हमारा नीड्स है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा है कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। कैसा आएगा? हमेशा प्लूरल फॉर्म में। तो हम कभी भी नीड्स नहीं लिखेंगे, हम हमेशा क्या यूज करेंगे? नीड नॉट। अगर इसके जगह यहाँ पर डेयर होता तो क्या होता? डेयर नॉट। अगर हम यहाँ पर डेयर्स कर देते, क्या कर देते? डेयर्स नॉट, तो वो हमारा रॉन्ग हो जाता। हम क्या हमेशा प्लूरल यूज करेंगे। तो ये था हमारा नीड नॉट और डेयर नॉट का रूल। अब आगे देख लेते हैं, आगे इसके साथ एक अपवाद है, देख लेते हैं हमारे नोट में यहाँ पर दिया गया क्या है। यहाँ पर दिया गया है लेकिन डेयर एंड नीड का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में होता है। पहले हमने बात की थी किसकी? पहले हमने बात की थी नीड नॉट। किसकी? नीड नॉट की, या फिर डेयर नॉट की। किसकी? डेयर नॉट की। अब जो है हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ नीड एंड डेयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नीड एंड डेयर की। तो जब भी इसका प्रयोग मैन वर्ब के रूप में हो तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकता है। डिपेंड करता है किस पर? हमारे सब्जेक्ट पर। पहले हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा था, बट अब हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि डेयर और नीड का यूज सिंगुलर होना है या फिर प्लूरल होना है। आइए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ही है। ही हमारा कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ जो हमारी वर्ब है यानी कि डेयर है, तो वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया है। तो यहाँ पर क्या दिया है? ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टी। तो जो हमारा डेयर है वो हम यहाँ पर अगर डेयर लिख देते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वो सिंगुलर है। और अगर हम डेयर लिख देते हैं तो हमारा कैसा हो जाएगा? वो प्लूरल हो जाएगा, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? सब्जेक्ट से देखना है कि यहाँ पर डेयर सिंगुलर फॉर्म में आएगा या फिर प्लूरल में। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया है दे नीड बुक, यानी कि उन्हें बुक की आवश्यकता है। तो हमने पढ़ा था कि जो दे है हमारा वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ जो वर्ब कैसी आएगी? वो प्लूरल आएगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ नीड दिया गया है, तो नीड कैसा है? प्लूरल है। अगर यहीं पर हम कर देते नीड्स, क्या कर देते? नीड्स, तो वो हमारा गलत हो जाता, क्योंकि फिर हमारा सब्जेक्ट जो था वो प्लूरल रह जाता और जो हमारी वर्ब थी वो सिंगुलर हो जाती। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो नीड नॉट और डेयर नॉट है, क्या है? नीड नॉट एंड डेयर नॉट, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। कैसी? प्लूरल वर्ब, बट इनके साथ नॉट लगा होना चाहिए, तब यह सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करते। लेकिन जब सिर्फ बात हो नीड की, किसकी? नीड एंड डेयर की, इसके साथ नॉट यूज ना किया गया हो, तब जो हमारी वर्ब है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर होगी या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल होगी। जैसे आपने यहाँ देख लिया ही सिंगुलर है, तो जो डेयर्स है वो भी हमारा सिंगुलर है। दे जो प्लूरल है, तो जो नीड है यहाँ पर वो हमारा प्लूरल है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि डेयर नॉट तथा नीड नॉट के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। किसका? टू का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है ही डेयर नॉट टू कम्प्लीट हेयर। तो यहाँ पर जो टू का यूज है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे ही डेयर नॉट कम हेयर, तो ये हमारा सही माना जाएगा, क्योंकि हम इसके बाद टू का यूज जो है वो नहीं कर सकते हैं। टू का यूज कैसा है? नहीं कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या दिया गया है? नेक्स्ट में हमारा दिया गया है यदि डेयर तथा नीड का प्रयोग हिम्मत होना या पढ़ना, यानी कि हिम्मत के अर्थ में आए, यानी कि करेज के अर्थ में आए, या फिर की आवश्यकता होना यानी किसी चीज़ की नीड हो, तो उसके अर्थ में वर्ब के बाद टू का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक होता है। अब दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? अभी हमने पिछले रूल में क्या देखा कि डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, बट यहाँ पर बता रहे हैं कि टू का प्रयोग होता है, लेकिन कब और कैसी कंडीशन में? जब हमारा डेयर और नीड का अर्थ कैसा हो? हिम्मत, यानी कि करेज के, एज अ करेज यूज किया जाए या फिर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ने के रूप में की जाए, तब हम इसके बाद टू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब डेयर और नीड की बात हो, नॉट, हमने यहाँ पर नॉट की बात नहीं की है। जैसे यहाँ पर दिया गया है ही नीड्स टू कम हेयर, यानी कि उसे यहाँ आने की ज़रूरत थी, तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर टू का यूज किया है।
तो दोस्तों हमने अभी आपके साथ नीड नॉट और डेयर नॉट के काफ़ी रूल्स डिस्कस कर लिए हैं और इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी था, तो हमने सबको डिफ्रेंशिएट भी कर दिया है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइए, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे ज़रूर डिस्कस करेंगे आपके जितने भी डाउट्स होंगे। और हो सकता है दोस्तों आपको ये सारे ही रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ हमें कहाँ कैसे कैसा क्या यूज करना है। तो आइए अब अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा जो दिया गया है वो दिया गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या दिया गया है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और हमारे सेंटेंस दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दें, हमारे सेंटेंस है क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। हमारे सेंटेंस जो है 5 टाइप के होते हैं, और जब भी हम आपके से सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ पर आपसे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, एक्सक्लामेटरी हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, एक्सेट्रा, हमारे 5 होते हैं टोटल। तो जब भी हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर आप इतना जान लीजिए कि जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में की बात हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि हमारे जब ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि आगे हमेशा मे दिया होता है, और 80% केसेस में जो है वो इसके साथ मे का यूज किया जाता है। और जब हमने आपसे कहा कि जब भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे, तो आप अभी इतना सा याद रख लीजिएगा। तो इसमें कहा गया है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी वर्ब हमारी कैसी होगी? प्लूरल होगी। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल भी है तब भी वर्ब कैसी होगी? तब तो प्लूरल होगी ही। रूल के अकॉर्डिंग एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है मे गॉड सेव द किंग। जो हमारा गॉड है वो कैसा है? तो इस गॉड जो है वो हमारा कैसा है? सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब है वो हमारी सेव्स होनी चाहिए थी। कैसा? सेव्स। बट हमने रूल में क्या कहा कि हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो सेव है वो हमारा कैसा है? प्लूरल वर्ब है। कैसा है? प्लूरल है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। आइए अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है आज की वीडियो का, सिंटैक्स का नहीं बट आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट रूल होगा। आगे हम अपने वीडियो में पूरे सिंटैक्स को इसी तरह अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर दिया गया है यदि टू सिंगुलर नाउंस, कैसे? टू सिंगुलर नाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। आइए जान लेते हैं यहाँ पर हमारा जो रूल है वो क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर दिया गया है टू सिंगुलर नाउन। अब जैसे रवि है, अगर सिर्फ अकेला हम कहें कि रवि तो हमारा सिंगुलर है, राम हम कहें तो कैसा है? सिंगुलर है। लेकिन ये दोनों किससे जुड़े हैं? एंड से। कैसे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। और यहाँ पर कहा भी गया है कि जब टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, तो हमारे जो रवि एंड राम है कैसे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे? एज अ सब्जेक्ट वर्ब कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि जब भी टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों, जैसा कि रवि एंड राम प्रयुक्त हुए हैं और यहाँ पर हमने एंड का यूज भी किया है, तो कैसी वर्ब का यूज होता है? हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। कैसा? प्लूरल। जैसे यहाँ पर कहा गया है रवि एंड राम हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, यानी कि रवि और राम ने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा किया या फिर अच्छे मार्क्स गेन किए या फिर अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो यहाँ पर हमने किसकी बात की? रवि एंड राम। तो अगर हम कहते हैं यहाँ पर रवि, थोड़ी देर के मान लीजिए हमने यहाँ से राम काट दिया, तो यहाँ पर हमारी वर्ब कैसी आती? हैज। कैसी आती? सिंगुलर, क्योंकि हमने एक की बात की थी। लेकिन जब हमारे दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ जाएँ तो कैसे हो जाते हैं? प्लूरल। यानी कि यहाँ पर दो लोगों की बात हो गई तो ये कैसे हो गए? प्लूरल हो गए। तो जो हमारी वर्ब है वो भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो आप जानते हैं हैव जो है वो हमारी प्लूरल वर्ब होती है। तो दोस्तों आज हमने अपने सिंटैक्स के बारे में डिस्कस किया और उसके कुछ बेसिक रूल्स के बारे में डिस्कस किया। और अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो हम इसके लिए एक डाउट वीडियो भी रख देंगे आपको, कि आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको कहाँ कौन सा रूल समझ में नहीं आ रहा है या फिर हमें अपनी कौन सी चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए कि हम आगे आने वाले समय में आपको इसी तरह
और वीडियो भी प्रोवाइड कराते रहें। तो और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच गाइज।